22 लॉज जो आपको किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प कर सकते हैं। ये 22 लॉज आपके लिए बिल्कुल किसी पिल के फॉर्म में समराइज किए गए हैं। बस इसे निगल लो और आपका काम हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। द 22 अम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग। चैप्टर 1, द लॉ ऑफ एक्सपेंशन। शेवरले कभी एक डोमिनेटिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब अगर आप इसे देखें तो पता चलेगा कि ये आज एक ऐसी कंपनी है जिसके पास कोई की प्रोडक्ट नहीं है। आज ये अपने चीप एक्सपेंसिव बड़े या छोटी कार या ट्रक्स के लिए जानी जाती है। अब फोर्ड अमेरिका की एक लीडिंग कार कंपनी है और ये भी शेवरले की तरह सेम प्रॉब्लम फेस कर रही है। ये अपनी लाइन एक्सपेंड कर रही है जिससे इसका ब्रांड नेम और कंपनी नेम दोनों वीक हो जाएगा। अगर हम इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करें तो पता चलेगा कि शेवरले ने लास्ट ईयर 10 डिफरेंट कार लाइंस निकाली थी जबकि फोर्ड ने बस 8। तो शेवरले क्यों और कैसे इन कार्स की मार्केटिंग की? वो इसलिए क्योंकि शेवरले फोर्ड को आउटसेल करना चाहती है, लेकिन बात अगर लंबी रेस की है तो फोर्ड ही जीतेगी, क्योंकि मार्केट में एक ही कंपनी की इतनी सारी कारें देखकर कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर आप कोई कंपनी है तो क्या करेंगे? क्या आप लाइन ऑफ एक्सपेंशन इंक्रीज करके शॉर्ट टाइम के लिए सेल करना चाहेंगे या फिर नैरो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना चाहेंगे? अपने प्रोडक्ट्स की लाइन एक्सपेंशन और मेगा ब्रांडिंग करके जब तक ये कंपनीज मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स चलाने की कोशिश करती है तब तक ये पुराने हो चुके होते हैं और इनकी पावर ओवर हो जाती है। कभी अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप प्रिविलेज के साथ मिलने वाला एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हुआ करता था जिसने 27% मार्केट शेयर के साथ क्रेडिट कार्ड्स का मार्केट डोमिनेट किया हुआ था। फिर उन्होंने हर साल 12 से 15 कार्ड्स निकालने स्टार्ट कर दिए जिसकी वजह से उनका मार्केट शेयर ड्रॉप होकर सिर्फ 18% तक रह गया था। यही सेम चीज लेवी जीन्स के साथ भी हुई। उन्होंने मार्केट में हर टाइप के कट वाली जीन्स निकाली। हालांकि ये डिसीजन शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिटेबल था लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। ऐसे कई सारे एग्जांपल हम देखते हैं, लेकिन कंपनी ये बात नहीं समझ पाती है कि कंज्यूमर का माइंड एक नाम और एक चीज को एक ब्रांड से जोड़कर देखता है। अपने प्रोडक्ट से एक्सपेंशन करने की वजह से मार्केटर के पास लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड ब्रांड नेम की लिस्ट बन जाती है जिससे कस्टमर के लिए सेम प्रोडक्ट्स में फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। मार्केटर्स को ये बात समझनी चाहिए कि उनकी सेल पावर ऑफ प्रोडक्ट की वजह से नहीं बल्कि उनके कॉम्पिटिटर्स की वीकनेस की वजह से होती है। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आज के टाइम हर गली या नुक्कड़ में एक कॉफी शॉप मिल जाएगी जहां ब्रेकफास्ट लंच और डिनर भी सर्व किया जाता है। लेकिन होवर्ड श्लूज ने जो किया वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि उन्होंने सिंपली एक कॉफी शॉप खोली जो बस एक चीज में स्पेशलाइज थी। गेस करो, जी हाँ, कॉफी। उस शॉप को आज हम स्टारबक्स के नाम से जानते हैं। सेम यही चीज हुई थी जब फ्रेड डेलुका ने एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोला जिसकी स्पेशलिटी थी सबमरीन सैंडविचेस, और इसके लिए उन्होंने एक ब्रिलियंट नाम चूज किया जो इजीली याद रहता था, और ये नाम था सबवे। आप अपना फोकस नैरो करके फेमस फिंगरप्रिंट वाला एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। आप खुद ही देख लो कि सबवे आज अमेरिका में 8वां लार्जेस्ट फास्ट फूड चेन है। बच्चों का सुपरमार्केट एक छोटा सा स्टोर था जहां उनके फर्नीचर और टॉयज मिलते थे, लेकिन एक पॉइंट पर आके ओनर को फील हुआ कि उसे एक्सपेंड करना चाहिए और इसलिए फर्नीचर डिपार्टमेंट को हटाकर और ज्यादा टॉयज रख दिए गए, और उसने टॉयज का नेम चेंज करके आर रख दिया। अब इस स्टोर में 20% टॉयज सेल होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हर सक्सेसफुल कंपनी की अपनी कुछ स्पेशल चीज होती है तो सही सोचते हैं। होम डिपो और फर्नीचर, गैप और कंफर्टेबल क्लोथ्स और इसी तरह कई और चीजों की लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी जहां आप देखेंगे कि चीजें और ब्रांड एक दूसरे से कनेक्टेड है। बेस्ट ब्रांडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए 5 स्टेप्स हैं। नैरो द फोकस। 2, स्टॉक इन डेप्थ। 3, बाय चीप। 4, सेल चीप। 5, डोमिनेट द कैटेगरी। इस पॉइंट तक आकर आप खुद से शायद ये पूछे तो फिर क्यों ज्यादातर कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट के बजाय खुद को एक्सपेंड करना चाहती है? तो इसका जवाब है कि हम में से ज्यादातर लोग रिच लोगों को देखते हैं और उन्हें कॉपी करते हैं, जबकि हमें उस चीज पर गौर करना चाहिए जो ये लोग अमीर होने से पहले किया करते थे।
चैप्टर 3 द लॉ ऑफ पब्लिसिटी। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो अक्सर न्यू मार्केटर्स के साथ होती है, उन्हें लगता है कि एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि ब्रांड कैसे बनता है। वैसे तो ये बात बड़ी कंपनीज पर फिट बैठती है जिन्होंने पहले से ही मार्केट में अपनी डोमिनेंस बनाई होती है, लेकिन न्यू कंपनीज के ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होती है। स्टारबक्स की स्टार्टिंग के 10 साल तक वो बस $10 मिलियन ही स्पेंड करते थे, और यहाँ हम एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जो एनुअली 2.6 बिलियन का बिजनेस करता है। सेम चीज वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा स्टोर है, लेकिन वो एडवर्टाइजिंग पर हार्डली स्पेंड करता होगा, फिर भी वो इतना पॉपुलर है। तो आखिर किसी ब्रांड को बनाने का सीक्रेट क्या है, आप शायद यही सवाल पूछना चाहेंगे। तो इसका आंसर होगा एक अच्छा पब्लिसिटी कैंपेन, वो भी इस न्यू एज टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के टाइम में। और पब्लिसिटी पाने का सबसे बढ़िया तरीका है एक न्यू कैटेगरी बनना, जैसे कि हेनिकेन फर्स्ट इंपोर्टेड बियर, जीरोक्स फर्स्ट प्लेन पेपर कॉपियर, KFC फर्स्ट फ्राइड चिकन फास्ट फूड। ये लिस्ट काफी लंबी है। डॉट न्यूज मीडिया को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या अच्छा है क्या नहीं, उन्हें बस न्यू चीजों से मतलब है। अब आप शायद खुद से ये पूछे कि अगर पब्लिसिटी इतनी इम्पोर्टेंट चीज है तो फिर क्यों सारी पब्लिक एजेंसीज पर एडवर्टाइजिंग एजेंट्स का कब्जा है। हम बताते हैं इसका जवाब। दरअसल पब्लिसिटी एकदम नया ट्रेंड है। जैसे स्टार्टिंग में फैक्स इतना फेमस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस में कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड बन गया था। लेकिन आज जो चीज काम करती है वो है पब्लिसिटी, ना कि एडवर्टाइजिंग। ऑथर एक बार की स्टोरी सुनाता है जब उन्हें लोट्स डेवलपमेंट कोर के लिए मार्केटिंग करनी थी। उन्होंने लोट्स नोट्स को द फर्स्ट ग्रुपवेयर प्रोडक्ट के तौर पर प्रोमोट किया, और ग्रुपवेयर का आइडिया काम कर गया क्योंकि तब ये एकदम फ्रेश कैटेगरी था। चैप्टर 4 द लॉ ऑफ एडवर्टाइजिंग। पब्लिसिटी बेशक ब्रांड्स क्रिएट करती है, लेकिन मार्केट में अपनी लीडरशिप मेंटेन रखने के लिए उन्हें एडवर्टाइजिंग की नीड होती है। अब एडवर्टाइजिंग में काफी पैसा खर्च होता है, लेकिन ये आपको मार्केट में आपके राइवल्स से प्रोटेक्ट करती है। एडवर्टाइजिंग का बेस्ट तरीका है कि आप लोगों को बताएं कि जो लोगों को बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए वो आपके पास है, और तब वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। ज़ेरॉक्स सबसे पहले लोगों की नजरों में तब आया जब इसकी पब्लिसिटी हुई थी, क्योंकि ये अपने टाइम का फर्स्ट प्लेन पेपर कॉपियर था, और कुछ टाइम ही लोग इसे भूल गए क्योंकि ये पुरानी न्यूज हो चुका था। तो अब सवाल है कि कोई भी कंपनी पब्लिसिटी की पावर खत्म होने पर अपने प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कैसे प्रोटेक्ट करेगी। तो इसका जवाब है एडवर्टाइजिंग। इसीलिए ज़ेरॉक्स ने भी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर दी, उसे बेस्ट कॉपियर बताकर, और इसी वजह से उनके कॉम्पिटिशन के दूसरे ब्रांड्स को काफी हार्ड वर्क करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसिव होती है, इसलिए लीडिंग ब्रांड्स ही इसे अफोर्ड कर पाते हैं। चैप्टर 5 द लॉ ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पावरफुल ब्रांड्स वो होते हैं जिनके पास अपने प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ एक वर्ड होता जिसे कस्टमर रेसोनेट करता है, यानी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर उन्हें किसी खास ब्रांड की याद आ जाए। जैसे कि अगर किसी ऑटोमोबाइल बायर से पूछा जाए कि प्रेस्टीज वर्ड सुनकर आपके माइंड में क्या आता है, तो वो बोलेगा मर्सिडीज बेंज, और अगर आप पूछे सेफ्टी वर्ड से क्या इमेज माइंड में आती है, तो शायद उनका जवाब होगा वोल्वो। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक जो ये सारी कंपनीज करती है वो ये है कि जो कैटेगरी उन्होंने क्रिएट की थी अब वो उससे आउट हो गई है, क्योंकि आप देखेंगे कि वोल्वो अब सपोर्ट कार्स बनाने लगी है। डॉट क्लीनेक्स शायद अब तक का बेस्ट ब्रांड रहा होगा, क्योंकि लोग टिश्यू बोलने के बजाय बोलते थे, उनके लिए टिश्यू का मतलब ही क्लीनेक्स होता था। लेकिन आप जानते हैं क्लीनेक्स क्या किया, वो अपने ब्रांड तक स्टिक रहा, जो कि फर्स्ट पॉकेट साइज टिश्यू था, वे टॉयलेट पेपर या किचन पेपर तक पहुंचे ही नहीं। यही सेम फेड एक्स के साथ भी हुआ, उन्हें ओवरनाइट डिलीवरी के लिए जाना जाता था क्योंकि वे फास्टेस्ट डिलीवरी देते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना डिलीवरी एरिया एक्सपेंड कर लिया, हालांकि वो कभी अपनी कैटेगरी से आउट नहीं हुए। चैप्टर 6 द लॉ ऑफ क्रेडेंशियल। वो चीज जो किसी भी ब्रांड को हटके बनाती है वो है उसका स्पेशल होना, यानी कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदे तो उसे लगे कि यही सबसे बेस्ट है, लेकिन इसके लिए उन्हें आपकी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें ये खुद लगना चाहिए। इसलिए सीक्रेट है यूनिक और डिफरेंट और खुद का क्रेडेंशियल होना।
आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।